वेलकम टू स्टे होम क्लासेस। मैं विनयशाक आज आपके लिए क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 2D को मैं लेकर आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में आने लायक है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखेंगे क्या कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, हमें एक बहुपद दे रखा है और एक अन्य बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स के। तो भाग दीजिए, क्या लिखा हुआ, भाग दिया जाता है तो शेषफल हमें x प्लस ए प्राप्त होता है। तो k और a का मान हमें ज्ञात करना है, k का किसका ज्ञात करना है, k और a का मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ये हमें दिया गया बहुपद, ठीक है, x पे पावर 4 माइनस 6 x पे पावर 3 प्लस 16 x पे पावर 2 माइनस 25 x और प्लस का कितना है ये 10। ठीक है, अब हमें भाग देना, किससे देना, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के से। तो देखिएगा कैसे करेंगे, इसमें हमें यहाँ मैं रफ करे ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो x पे पावर 4 को कैंसिल करना है मुझे, x पे पावर 4 को किससे करना, x पे पावर 2 से कैंसिल करना। तो भाग में दो घातें घट जाएंगी, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, तो 4 से 2 हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो क्या लिखाएंगे, लिखे गया x पे पावर 2, x पे पावर 2 का x पे पावर 2 में गुणा करेंगे क्या आएगा, x पे पावर 4 आ जाएगा। x पे पावर 2 का गुणा माइनस के 2x में करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2x पे पावर 3, और x पे पावर 2 का गुणा जब k में करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो ये माइनस का और ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6x क्यूब है ये, 2x क्यूब है, प्लस का है ये, माइनस का, 6 से 2 को घटा देंगे बचेंगे कितने, 4x पे पावर 3 किसका, माइनस का, क्योंकि 6 बड़े हुए हैं। अब यहाँ देखो प्लस के कितने, 16x स्क्वायर है, यहाँ माइनस के एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ जो एक्स स्क्वायर सेम दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का लगाया, और मैंने एक्स स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ध्यान देखना, एक्स स्क्वायर इन दोनों से कॉमन मैंने निकाल लिया तो बचा कितना, यहाँ पर 16 और यहाँ माइनस का कितना, ये के, देखो माइनस के ही तो के है, ये के रख लिए, एक्स स्क्वायर दोनों से बाहर रख लिए। अब क्या, यहाँ पर देखो माइनस के 25x और प्लस का कितना है, 10, ये मैंने नोट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मुझे किसको काटना है, माइनस के 4x पे पावर 3 को काटना है, मुझे किससे काटना है, एक्स स्क्वायर से, यानी कि दो घात घट जाएंगी, क्या बचेगी, एक घात, यानी कि माइनस का क्या बचेगा, 4x बचेगा। तो माइनस का 4x रखा, 4x का मल्टीप्लाई करवाएंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x पे पावर 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, 4 दूना कितना होता है, 8 होता है, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4 का गुणा हमने इसमें करवा दिया। अब 4x का हम k में करवाएंगे, यहाँ देखो माइनस के कितने हो जाएंगे, 4kx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये मैंने नोट, यहाँ देखिएगा कितना आ गया, माइनस का 4kx आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आगे करेंगे, हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, क्या देखो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है नहीं, तो क्या देखो यहाँ 16 माइनस का क्या है, के ही तो है, और एक्स स्क्वायर यहाँ, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना, माइनस का 8, तो माइनस का 8 रखा, ब्रैकेट का चिन्ह लगाया और एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन रख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ 25x है, कितना है, 25x है, और यहाँ कितना है, माइनस के 4x, 4kx है। ठीक है, अब देखो यहाँ भी x कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है या नहीं। अब देखो ये प्लस के, तो ये प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह लगाया हमने, तो यहाँ क्या है, यहाँ 4k ही तो है। देखो x मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, ध्यान दो, x इसमें से क्या ले लिया, बाहर निकल लिया, तो क्या 4k बचा, और माइनस के कितना है, माइनस का है 25, और प्लस का कितना है यहाँ पर 10। ठीक है, ये आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब मैं आगे क्या करूँगा, यहाँ देखो एक लाइन में 16 में से 8 घटा देंगे, क्योंकि माइनस का है, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, 8 16 में से। ठीक है, माइनस का क्या बचेगा, k, और यहाँ एक्स स्क्वायर, प्लस का, और यहाँ 4k माइनस 25 इंटू में क्या है, एक्स, और प्लस का 10। अब देखिएगा मुझे किसको कैंसिल करना है, 8 माइनस के और एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो यहाँ पर लिखा 8 माइनस के, और क्या लिखा, एक्स स्क्वायर,
इसको मुझे कैंसिल करना है किससे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8 माइनस के, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं प्लस का 8 माइनस के, ठीक है 8 माइनस के, इसका जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो क्या आ जाएगा 8 माइनस के इंटू मैं एक्स स्क्वायर, अब इसका इसी का इसमें करवाऊँगा तो माइनस का कितना आ जाएगा माइनस का 2x और इंटू मैं क्या आ जाएगा 8 माइनस के और प्लस, अब इसका मैं किसमें इसमें करवाऊँगा तो क्या आ जाएगा के ब्रैकेट में 8 माइनस के, ठीक अब क्या करेंगे हम घटाएंगे तो माइनस ये माइनस माइनस प्लस और ये किसका हो जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान दो यहाँ कितना है ये 4k माइनस 25 और इंटू में एक्स है राइट, और प्लस का क्या है यहाँ 10, अब ध्यान देना प्लस का ये 10 ही तो है, 4k माइनस 25x इंटू प्लस के ये 10 लिख दिए, अब यहाँ देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है नहीं, अब यहाँ भी प्लस का है और यहाँ देखो क्या 2x 8 माइनस के ही तो है ये 2x और 8 माइनस के, तो अब देखेंगे यहाँ पर प्लस का मैंने 2x और यहाँ 8 माइनस के नोट कर लिया ऐसे ही, और माइनस का क्या है यहाँ पर देखो माइनस का है k ब्रैकेट में 8 माइनस के, ठीक है इतना करिएगा। उसके बाद देखो आगे, अब देखो आगे क्या करेंगे यहाँ पर देखो इंटू में यहाँ क्या एक्स और यहाँ भी एक्स है, दो का मल्टीप्लाई करवा दिया जाए उसके अंदर रख दिया जाए तो हमारा आसान हो जाएगा सवाल, ठीक है करते हैं क्या करेंगे यहाँ पर देखो 4k माइनस का 25 रखा, ध्यान देना माइनस का 25 रखा और इंटू में क्या एक्स और यहाँ भी तो इंटू में एक्स ही तो है, दो का अंदर गुणा करवाओ, दो का गुणा अंदर करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो प्लस का कितना हो जाएगा 16, दो का अंदर गुणा करवाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा राइट। अब यहाँ पर देखो गुणा में एक्स है और यहाँ भी गुणा में एक्स, तो यहाँ क्या लिखा मैंने एक्स लिखा, अब यहाँ देखो क्या माइनस का कितना के ब्रैकेट में 8 माइनस के और प्लस का कितना ये प्लस का 10 है, ये मैंने नोट किया। अब आगे करेंगे, आगे करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर देखो 4k से 2k घटा देंगे तो क्या बचेगा 2k बचेगा, अब 25 से 16 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 9, माइनस का 9 बचेगा क्योंकि बड़े हैं ये, ठीक है और इंटू में क्या एक्स चल रहा है, माइनस का क्या है यहाँ पर देखो k और 8 माइनस के और प्लस का कितना है 10, ठीक है इतना करने के बाद प्लस का 10, ये हमारा क्या आ गया, ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमें शेषफल प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ शेषफल, शेषफल प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें क्या शेषफल प्राप्त दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया था कि शेषफल एक्स प्लस ए प्राप्त होता है, कितना एक्स प्लस ए, ठीक है तो एक्स प्लस ए प्राप्त होगा। अब आगे करेंगे, आगे करेंगे तो देखिएगा दिया है हमें क्या दिया गया शेषफल, हमें दिया है दिया क्या दिया एक्स प्लस ए शेषफल दिया, तो हम ये देखो पहला इक्वेशन है और ये दूसरा ये दिया गया हमें, इन दोनों की आपस में क्या करवा देंगे तुलना करवा देंगे, क्या करवा देंगे तुलना करवा देंगे, तो तुलना करवाएंगे हम, ठीक है तो तुलना करवाएंगे क्या आएगा देखो यहाँ तुलना करवाते हैं, तुलना तुलना करवाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ देखो x क्या लिखा हुआ 2k माइनस 9, 2k माइनस 9 इंटू में क्या x और बराबर का चिन्ह लगाया, यहाँ देखो क्या इस x का सामने क्या x ही तो दिख रहा है, x का गुणांक है यहाँ पर देखो ये x है और ये यहाँ पर क्या है ये x है, यहाँ ये शेषफल हमें प्राप्त हुआ, दूसरा शेषफल क्या दे रखा x के सामने क्या x प्लस a है, तो बराबर में क्या लिखूंगा x और प्लस a भी लिख सकता हूँ पर यहाँ a नहीं लिखूंगा क्योंकि ये क्या है अचर पद और ये क्या है अचर पद है, ठीक है इसको इसके सामने लिख लेंगे तो यहाँ अभी हम सॉल्व करने में हमें आसानी रहेगी, इस x से x को कैंसिल कर देंगे तो क्या 2k माइनस का 9 इज इक्वल क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1 मिल जाएगा काट देंगे तो, ठीक है 9 को पश्चांतर कर देंगे तो 2k बराबर में 9 प्लस 1 यानी कि 10 हो जाएगा, तो 2k बराबर कितना 10, 2 से काट देंगे 2 पंजे 10, यहाँ से आपको क्या k का मान निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया हमारा 5k का मान निकल के आ गया, निकल के आ गया। अब हमें किसका मान और निकालना है, किसका निकालना है हमें k का, तो मान निकल आया ठीक है, अब हमें अब k का मान निकला है, अब मुझे किसका a का मान निकालना, तो a का मान कहाँ से निकालेंगे देखिए अचर पद यही तो है, कैसा है माइनस का k ब्रैकेट में 8 माइनस के
और प्लस का टेन और बराबर में क्या लिखेंगे हम ए लिखेंगे, क्योंकि बराबर में क्या ए, ये शेष वाला ही तो है। अब देखो माइनस का के, के का मान कितना पाँच निकला, यहाँ आठ माइनस के का मान कितना है पाँच, प्लस का कितना है टेन, इज इक्वल में क्या लिखेंगे हम ए लिखेंगे। यहाँ देखो माइनस पाँच इससे घटाएंगे, आठ में से पाँच गया कितना बचा तीन, तीन गुणा में आ जाएगा प्लस का दस, बराबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसको उसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के कितने हो गए पंद्रह और प्लस के दस बराबर में ए। अब दस पंद्रह से दस को घटाएंगे तो माइनस का पाँच बचेगा बराबर ए, हमारा क्या ए का मान भी निकल आया। ठीक है, ए का मान भी निकल आया और के का मान भी निकल आया। ठीक, ये कंप्लीट हुआ इसको।